ऑलरेडी स्टूडेंट्स लेट एस सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखने में डेंजरस बट वन ऑफ द वेरी ईजी प्रॉब्लम दैट यू कैन फाइंड इन फैक्ट अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आज एट जेई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यू गाइज कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल नाउ हाउ टू रीड दिस क्वेश्चन अच्छा मैं कहता हूँ कि टफ क्यों है जबकि देखा जाए कुछ भी टफ नहीं ऑनस्टली स्पीकिंग दज वेरी ईजी दिस इज टफ बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गेट कन्फ्यूज वेन यू सी जी आई एफ जे आई एफ देखें ना आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो बट जे आई एफ कुछ भी नहीं होता है बच्चों आप क्या करोगे जे एफ कहाँ पर ब्रेक होता है ब्रेक एट इंटीग्रल इनपुट्स राइट दैट्स व्हाट यू डू इंटीग्रल इनपुट जब भी आते हैं और अच्छी बात क्या function है अंदर वाला फंक्शन बहुत आसान है मतलब एक्स ही है तो आप क्या कहोगे ज़ीरो से वन ज़ीरो से वन में जे एफ की वैल्यू क्या होती है जीरो अरे वाह सर ये तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा फिर वन से टू सर ये तो समझ में आ गया हमें इतना तो वी है कुड अंडरस्टैंड बट हमें डर लगता है दूसरा इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी से हमें क्वेश्चन में किससे डर लग रहा है बार बार कि सर ये जो इन्फिनिटी आ रहा है इससे क्या होगा अब देखो यहाँ पर एक गलत जल्दबाजी में हम लोगों ने गलती करी हाँ ये थ्री आना चाहिए था यहाँ सिमिलरली वाट आईव मिस हेयर इज़ टू बस ये गलतियाँ नहीं करनी है अपने को ये प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी नाउ अ लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स गेट स्टक कि सर अब क्या करें भाई अब इन्फिनिटी के बाद इस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करें सर तो अच्छा एक काम बताइए ये तो ज़ीरो हो गया ठीक है ना पहले वाला जो एलिमेंट है दिस कम्स आउट टू बी जीरो सो वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस फॉर दैट मैटर अब अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की इसका इंटीग्रल क्या हुआ ई रेस्ट पर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन बिल्कुल बेसिक अगर मैं फॉर्म में आपसे बात करूं मतलब माइनस का साइन पहले आएगा ठीक है ना और ये सॉरी वन है यहाँ पर तो ये क्या बन गया ई e की पावर माइनस टू राइट एंड माइनस ऑफ ई की पार माइनस वन और माइनस बाहर ठीक है ऐसा कुछ कह सकते हैं और अच्छी बात क्या है कि माइनस आ रहा है बता सकते हो क्यों क्योंकि यस yes, ई e की पार माइनस वन बड़ा है ई e की पार माइनस टू से नाउ सो दैट मीन्स इफ आई हैव टू इक्वेट मतलब मैं अगर इसे आई कह रहा था तो अगर मैं इक्वल करता तो पहला टर्म जीरो हो गया दूसरा टर्म मेरे पास आया ई e की पार माइनस वन माइनस ई e की पावर माइनस टू नेक्स्ट आपको ये दिख गया होगा सर सिर्फ वी विल जस्ट टेक टू आउटसाइड एंड रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन कैन बी डन वेरी वेरी ईजिल लाइक दिस लोअर टर्म फर्स्ट है ना अपर टर्म लेटर थ्री इंटू ई रेस्ट पर माइनस थ्री बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका वी वीर वी आर डन विद द क्वेश्चन दैट्स इट क्वेश्चन ओवर बता सकते हो जल्दी से हां मजा आया देख तो के तो कई कई बार जी के प्रॉब्लम्स बहुत आसान होते हैं सर नहीं आया अभी तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ आप कहाँ भाग गए चलिए आइए देखिए सो so, ये तो बना ई रेस्टुपार माइनस वन एक अब जो ई रेस्ट पार माइनस टू है ओके okay. लेट मी शो यू ई रेस्ट पर माइनस टू ए के माइनस का साइन है और यहाँ प्लस टू कितना हुआ टोटल हो के प्लस ई रेस्ट पार माइनस टू सिमिलरली यू विल सी दिस पैटर्न रीअरिंग अगेन एंड अगेन यहाँ था ट्वाइस ऑफ क्या e की पार माइनस थ्री विद ए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया थ्री खत्म ऐड करो कितना बना ओ माय गुडनेस सर सो ये बस पैटर्न इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है विच इज नथिंग बट क्या हो गया ये इन्फाइनाइट जी पी कैन वी से दैट दैट डिस बिकम्स अ इन्फाइनाइट जी बस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाइए ई रेस्ट पर माइनस वन यहाँ पर कॉमन रेशो भी यही है वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस वन तो ये क्या हो गया वन ई क्या हो जाएगा माइनस वन जिस भी फॉर्मेट में आंसर आगे मैच करे बस मैच कर दीजिए लिटिल बिट ट्रिकी आई शुड नॉट इवन कॉल इट ट्रिकी One of the very, very easiest problems. But I can tell you with experience that sometimes these kind of questions also become tricky and they consume time in the exam because of the time pressure. So you should be confident of how you are solving questions, irrespective of the question is easy or tough for you. But you should be confident. Okay, God bless. See you in the next video. <coughs>